सीएम साहब की चिंता यही नहीं हुई जर्मनी में भी हुई जर्मनी में एक शुभ पत्रकार ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछ लिया बाईस मार्च को इसी बीच में जब यहां पर सीएम साहब ईडी की गिरफ्त में थे उनसे सवाल पूछ लिया कि सर क्या आपको पता है कि इंडिया में केजरीवाल जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हां हमें मामला पता चला है तो भाई आप क्या कहेंगे इस विषय पर तो जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि कानून की पालना होगी और भारत एक लोकतांत्रिक देश है बड़ा लोकतांत्रिक देश है एक न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी और किसी भी व्यक्ति को जब तक वह आरोप सिद्ध नहीं हो जाते उसे आरोपी मतलब उसे दोषी ना माना जाए इस तरह की बात इन्होंने बोल दी भाई साहब यह भी एक अपने आप में मैंने कहा ना मीडिया प्रबंधन में मीडिया में सुर्खियां आएंगी तो क्योंकि ये मतलब आम आदमी पार्टी देश में उस समय बनी हुई पार्टी है जिस समय मेरे और आप जैसे बहुत से यूथ ने अन्ना आंदोलन से जुड़ करके देश की राजनीति में हो रहे एक परिवर्तन को साक्षात देखा था ऐसा लग रहा था कि राजनीति अब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी राजनीति में वादों की वैल्यू होगी राजनीति में जो भी नेता आएंगे और वो जो वादे करेंगे अब वो एग्जीक्यूट होंगे पढ़े लिखे लोग सत्ता में होंगे तो सत्ता का रूप और प्रारूप सब बदल जाएगा और उस दौर में बहुत से लोगों ने विदेशों से भी बहुत सारा चंदा इवन हम जब कॉलेज में हुआ करते थे हमारे सब साथियों ने मिलकर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उस आंदोलन को, उस को अपनी तरफ से बल दिया था इतनी चर्चाएं अन्ना आंदोलन के ऊपर उस समय हुई थी जब केजरीवाल जी की पार्टी बन रही थी तो भाई कोई पत्रकार था जो वहां जाके पूछ लिया कि सर बताइए तो जर्मनी वाले बोल पड़े कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमें उम्मीद है कि यहाँ की न्यायपालिका आजाद है केजरीवाल के मामले में भी लोकतंत्र के उसूलों का पालन किया जाएगा केजरीवाल को बिना रुकावट कानूनी मदद मिलेगी जब तक दोष साबित ना हो तब तक किसी भी शख्स को निर्दोष शख्स को निर्दोष मानने की कानूनी सिद्धांत का पालन होना चाहिए भाई साहब इतना ही बोला लेकिन यहां तो भारत सरकार तो एकदम मतलब फायर मोड में है और एकदम फायर मोड में तुरंत सरकार ने बुला लिया भाई साहब जर्मनी के डिप्लोमेट को विदेश मंत्रालय की तरफ से बुलाया गया कि आप इधर आओ हमारे आंतरिक मसले पर आप कैसे बोल रहे हो अच्छा लोग इस विषय पर अपनी अपनी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि सरकार आपकी एक बात समझ नहीं आती है आपकी जर्मनी ने केवल यही तो कहा था कि भाई कानूनी मदद मिल इसमें गलत तो कुछ नहीं है टेक्निकली वो आपसे ये नहीं कह रहे कि आपने लोकतंत्र खत्म कर दिया है कि लोकतंत्र आपके यहां पर संकट में है कुछ नहीं बोला है वो केवल आपके लिए यही तो कह रहे हैं कि दोष साबित नहीं हो तब तक दोष के अंदर किसी व्यक्ति को निर्दोष मानने का कानूनी सिद्धांत तो ये सब पर लागू होता है अगर पुलिस पुलिस किसी व्यक्ति को कभी गिरफ्तार करके ले जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर वो व्यक्ति दोषी हो गया मतलब उसके ऊपर आरोप लगा है अभी है ना तो उसको मतलब आप वो घोषित नहीं कर सकते कि यही कल्प्रिट है ना तो ऐसी स्थिति में लेकिन हम हमारी विदेश मंत्रालय एकदम तेजी से काम कर रहा है तुरंत डिप्लोमेट को बुलाया गया भाई साहब इनका नाम है जॉर्ज एंज वेलर डेप्यूटी हेड है भारत के अंदर इंडियन एंबेसी के इंडिया के अंदर जर्मनी के एंबेसी के इनको बुलाया गया

एम्बेसडर को और 10, नौ चालीस पर वापस भेज दिया पांच मिनट में संदेश बिस्मिल का संदेश है कि ट्रेन काकोरी में लुटेगी बस इस प्रकार से यहां पर खट से मैसेज दिया बोले हो गया अब आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बोले ठीक है साहब अब जर्मनी के साथ तो चल रहा था इसी बीच में अमेरिका कूद पड़ा भाई अमेरिका क्यों नहीं कूदे अमेरिका की तो कहानी निराली है अमेरिका पूरी दुनिया का माई बाप है यह बात मान लो तो बेहतर है नहीं मानो तो अमेरिका मनवा लेता है अमेरिका मानता है कि दुनिया में अगर कोई लोकतंत्र नाम का शब्द एग्जिस्ट करता है तो उसका प्रवर्तक अमेरिका है अगर दुनिया में कहीं पर मानवाधिकार एग्जिस्ट करता है तो उसका प्रवर्तक अमेरिका है और कहीं लोकतंत्र अगर नुकसान बरत पाता है तो अमेरिका पहले चला आएगा जैसे अफगानिस्तान में वो लोकतंत्र लेकर आया जैसे इराक और सीरिया में वो लोकतंत्र लेकर आया पाकिस्तान में लोकतंत्र लेकर आया ऐसे दुनिया में सब जगह वो लोकतंत्र चाहता है अब आप इस बात को सरकास्टिक मत मानिएगा अमेरिका का प्रयास बता रहे हैं हम हालांकि उस प्रयास में वो जो कूटनीति करता है वो हाउ उसका मामला फेल हो जाता है खैर कोई बात नहीं यूएस आता है और यूएस कहता है हम फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो अपोजिशन फिगर के ऊपर हुआ है बस उसका इंतजार कर रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमारी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नजर बनाए हुए है हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष पारदर्शी होगी इस दौरान कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाएगा ठीक है साहब इसी बीच में साहब अब यहां पे तो चल रहा है अंतरराष्ट्रीय मसला और होता क्या है ना बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से होता है जैसे क्या होता है विदेश मंत्रालय में पत्रकार पहुंच जाते हैं भारतीय मूल के लोग दुनिया में हर छठा आदमी अब भारत का है है ना तो ऐसी स्थिति में भारत के पत्रकार भी सब जगह विदेश मंत्रालयों के पास पहुंच जाते हैं उन विचारों को पता हो ना हो कि देश में क्या चल रहा है लेकिन बताओ इनको कि भारत में क्या चल रहा है अच्छा उनको भी पता है कि ये न्यूज बहुत अच्छे से सेल होगी अगर इंडिया का नाम आया इंडिया में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का आजकल चाव चढ़ा हुआ है ऐसे ही विदेश में बैठे हुए जो पत्रकार दो चार पत्रकार भारत के कहीं ना कहीं लगे हुए हैं किसी ना किसी न्यूज एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं किसी भी प्रवक्ता से बुला लो उस दिन तो हेडलाइन है मतलब हर अखबार की सुर्खी है विदेश वाले ये बोले हम इतने ज्यादा ग्रसित हैं इस भाव से कि दुनिया वाले हमारे बारे में क्या बोलते हैं दुनिया के बहुत सारे देश इस चीज को इग्नोर कर चुके हैं। चाइना वाले तो एक परसेंट भी ध्यान नहीं देते जी कौन ने क्या बोला बोले हमने तो विदेशी मीडिया की ही एंट्री बंद कर रखी है किसने क्या बोला हमें पता ही नहीं खैर कोई नहीं जी चाइना और भारत अभी अलग अलग पाथ पर हैं लोगों का क्लेम है कि दोनों एक ही रास्ते पर भविष्य में हो जाएंगे खैर दोनों का नजरिया अलग है कैसे एक रास्ते तक पहुंचते हैं सरकार इस चीज़ को खैर इंकार करती है फिलहाल के लिए हम ईडी पर लौटते हैं इस बीच में ईडी 26 मार्च के दिन केजरीवाल जी के पास कोई डिवाइस ना होने पर सवाल खड़ा करते कि सर जी एक बात बताइए आपके पास कोई डिवाइस नहीं था फिर आपने ऑर्डर कैसे पास कर दिया मतलब यह भी एक मामला है कि केजरीवाल जी पानी के लिए दवाओं के लिए अपने मंत्रियों को जेल से आदेश दे रहे हैं अभी तक तो आप दिल्ली की जेल में भी नहीं गए अभी तो आप ईडी के कस्टडी में बैठे हुए हो यहां से आदेश कैसे दे रहे हो ईडी इस विषय पर अब जांच करेगी और ईडी का कहना है कि उनके पास में ना कोई पेपर है ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो आदेश और ऑर्डर पास कैसे हो रहे हैं अब यह जांच का विषय है और ईडी के सीनियर ऑफिसर्स इस विषय पर जांच करके जल्दी ही रिपोर्ट तैयार करेंगे कि मुख्यमंत्री ने आफ्टर ऑल अपने लोगों तक यह बात पहुंचा कैसे दी इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी जुडिशियल कस्टडी में नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ईडी की रिमांड में है ऐसे में अगर उन्होंने किसी तरह का कोई ऑर्डर पास किया है तो वो कानूनन गलत है और इसे लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है यानी कि केजरीवाल साहब के ऊपर ईडी एक और एंगल ओपन कर सकती है कि ये आदेश भी फर्जी कैसे आ गए जैसे मऊआ मोहित्रा के केस में था कि कोई व्यक्ति बाहर से बैठा हुआ हीरा नंदी वहीं से उनके नाम पर टाइप करके दे दे रहा था तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि केजरीवाल साहब की सील और उनके साइन कहीं और रखे हुए हैं और उनके नाम से सत्ता चल रही है मेरा वचन ही है शासन और पता चल रहा है शासन हो रहा है ऐसा तो नहीं है इस विषय पर भी जाँच होगी खैर इसी बीच में भारत की तरफ से बुला लिया जाता है अमेरिका के भी डिप्लोमेट को कि आइए सर विदेश मंत्रालय में आपका स्वागत है इनको बुलाया जाता है बुला करके इनसे बतियाया जाता है सत्ताईस तारीख को कि सर आप हमारे मामले पर इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं इनसे चालीस मिनट तक बातें चलती हैं लेकिन अमरीका है जानता है कि पब्लिक सेंटिमेंट कैसे विरोध में आ जाएंगे पांच मिनट में अगर भेज दिया तो बेज्जती हो जाएगी चालीस मिनट बातचीत चली चालीस मिनट बातचीत चली अमरीका पर एक मोरल प्रेशर आया भारत ने साफ साफ कहा कि देखिए हमने यूएस को अपना ऑब्जेक्शन साफ दर्ज करा दिया है हमारी न्यायपालिका हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो अपना कार्य कर रही हैं वो अपने हिसाब से कर रही हैं अच्छा लेकिन अमेरिका को लगा कि यार कल को ये ये कहने लगेंगे कि एक तो पहले पन्नू को मारने के लिए अमेरिका तक चले आए और अब अमेरिकी डिप्लोमेट को बुला के धमका और रहे हैं जहां एक और पाकिस्तान में चीनी डिप्लोमेट के घर जाकर के पांच चीनियों के मरने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कंडोलेंस देने उसके दूतावास में चले जाते हैं भारत इतना मजबूत हो गया कि हमारे डिप्लोमेट को अपने ऑफिस में बुलाता है 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 और कहता है कि देखो ये ठीक नहीं है। भाई साहब अमेरिका वालों की चढ़ बन गई एक तरफ जर्मनी वाले तो सुधर गए उन्होंने तो साफ कहा इंडिया के साथ हमारी बढ़िया दोस्ती है कोई लफड़ा नहीं है लेकिन भाई साहब अमरीका वाले जो है वो बिखर गए कि रोको पत्रकार महोदय जो सवाल पूछ रहे थे वो देख के लग जाएंगे भारतीय मूल के पत्रकार हैं जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं इनसे सवाल पूछा जाता है ये देखिए देख के अपना इंडियन वाइल लग रहा है उनको पता है कि अमेरिका में न्यूज़ पूछेंगे उनकी न्यूज़ दबा के बिकेगी ये सवाल पूछे अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सर जी सुने कल बुलाया गया था प्राइवेट में कोई बात हुई थी सर जी के बारे में बात हुई थी कहा था कि कुछ गड़बड़ है मतलब क्या चक्कर है थोड़ा बताइएगा तो इस बीच में फिर प्रवक्ता बोलते हैं देखिए जो हमारे बीच में प्राइवेट बात हुई उसको तो हम नहीं बताएंगे लेकिन हाँ हम इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे कि अमेरिका नजर बनाए हुए है इस पूरे मसले पर अरे वो दुनिया जानती है कि तुम जबरदस्ती नहीं भाई सब पर ध्यान बनाए हुए हो और ये ये भी बोला कि हम इस विषय पर भी नजर बनाए हुए हैं कि एक पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है इस पर भी मैंने एक पूरा सेशन किया है आप चाहे तो देख लें पांच दिन पहले ही सेशन किया है कि कांग्रेस के अकाउंट आफ्टर ऑल फ्रीज कैसे हुए थे मैंने उसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताई है करके सुन सकते हैं ठीक है साहब इस विषय पर जब इन्होंने तत्काल मतलब आप समझिए देखिए एक पत्रकार उधर के विदेश मंत्रालय से कुछ पूछता है विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कुछ बोलता है अखबारों की हेडलाइन हो जाता है फिर इधर से हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता निकल आते हैं देखिए सर जी हमें एक परसेंट पसंद नहीं है ये अनवॉरेंटेड है बिना चाहा और बिना स्वीकार्य किया भाषण है हम नहीं मानेंगे भाई साहब भारत का विदेश मंत्रालय अपनी तरफ से आकर के अपनी तरफ से विरोध व्यक्त कर देता है अमरीका से विदेश मंत्रालय चल रहा था तब तक सही था भाई ये आदमी फिर से बाहर आ गया ये वही आदमी है जिसको मरवाने के लिए भारत की जांच एजेंसियों के ऊपर अमेरिका ने आरोप लगाया था यानी कि वही विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता या वही विदेश मंत्रालय भारत पर आरोप लगाया था कि एक अमेरिकी नागरिक जानते तो होंगे इसका नाम है पन्नू इस पन्नू को मरवाने के लिए भारत ने आदमी भेजे थे और इसको जांच करने के लिए उनके यहाँ का सबसे बड़ा जांच अधिकारी भारत तक आया था सारे तार जोड़ते जोड़ते कि सर जी आप लोगों ने हमारे यहां पर अपने एक आतंकी को मरवाने का प्रयास किया लेकिन यह आतंकी अब हमारा नागरिक है आप अपने हमारे अपने मोस्ट वांटेड को जो हमारे यहां आतंकी है हमारे यहां का निवासी है उसको मार कैसे सकते हो तो एक तरीके से अमेरिका की नजर में तो ये सिविलाइज्ड सिटीजन है अमेरिका की कोई चिंता की बात नहीं है अब अमेरिका को खुद सोचना चाहिए कि यही सिविलाइज्ड सिटीजन वहां बैठकर के एक लाइन बोल दिया है बोला है कि केजरीवाल साहब को इसने पैसे दिए थे फंड उगा करके दिया था मतलब केजरीवाल साहब अंतरराष्ट्रीय रूप से छाए हुए हैं नेशनल मुद्दा नहीं है अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है इतना कांग्रेस टीआरपी नहीं बटोर पाई है जितना कांग्रेस के साथ साथ केजरीवाल साहब के केजरीवाल साहब बटोर गए हैं भाई साहब अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला है पन्नू क्या बोला अब वो सुनिए साहब इसका है सिख फॉर जस्टिस नाम का ग्रुप ये कहता है कि भाई दो में सिख फॉर जस्टिस के द्वारा खालिस्तानी ग्रुपों के द्वारा केजरीवाल को पैसे दिए गए थे और पन्नू ने अपनी तरफ से यह जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब न्यूयॉर्क आए थे तो खालिस्तान समर्थकों के द्वारा एक तो करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी यह तो भाई साहब पन्नू गिरफ्तार नहीं हुआ है अगर गिरफ्तार हो जाता तो यहां तो और मामला चलता यह तो शरत रेड् के दम पर ही अभी तक ईडी ने इनको दबा रखा है अगर मान लीजिए कि पन्नू जिसको मारने के लिए कहा जाता है कोई अज्ञात व्यक्ति निरंतर प्रयास कर रहा है अगर कभी ये व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए तो ना पता नहीं कितनों के राज खोले यह बोलता है कि 16 मिलियन डॉलर दिए थे केजरीवाल जी को और तो और उन्नीस के अंदर दिल्ली के अंदर जो बम धमाके हुए थे उसका आरोपी था देविंदर पाल सिंह बुल्लर उसको छुड़वाने के लिए केजरीवाल जी ने कहा था न्यूयॉर्क आकर के कि मैं अगर सीएम बन गया मैं अगर सत्ता में आ गया तो मैं उसको पांच मिनट में छुड़वा दूंगा और ऐसा कह करके पन्नू ने अपना वीडियो रिकॉर्ड कर दिया कि केजरीवाल जब ये जो गिरफ्तार हुए हैं ये एक सच्चा हिंदू नहीं था ये झूठा हिंदू था इसने अपनी तरफ से जो वादे किए वो तोड़ दिए ये जब पहले बार भारत यहाँ न्यूयॉर्क आया था फंडिंग के लिए तो यहां तो इसने पुरानी फोटोज जारी करी देखो अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क आए थे तब इस प्रकार से लोगों से मिले थे जब सत्ता नहीं थी अमेरिका आए थे और न्यूयॉर्क में वादा करते हैं ये वो तस्वीर है जिसमें केजरीवाल जी न्यूयॉर्क के अंदर कुछ सिखों के साथ बैठे हुए दिखाए गए हैं कि ये वादा किए थे भुल्लर जो है ना उसको छोड़ दिया जाएगा जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा भाई साहब ये सुर्खी भुल्लर के लिए केजरीवाल जी ने दी थी उस समय मतलब पन्नू ने अपनी तरफ से साफ कहा कि ये ईमानदार हिंदू कहते हैं लेकिन ये बेईमान हिंदू है 2014 में इसके पास सत्ता नहीं थी तब इसने अमेरिका के न्यूयॉर्क में आके खालिस्तानियों से वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो देवेंद्र सिंह भुल्लर को मैं पांच घंटे के भीतर रिहा कर दूंगा लेकिन जैसे ही ये मतलब वहां बना वहां जाके भूल गया ये सब बातें पहले भी जनवरी में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं पन्नू पहले भी इस बात पर बोल चुका है लेकिन जांच एजेंसी जब इसको पकड़ नहीं पा रही है तो इसके बात पर इतना तवज्जो दे भी नहीं रही है लेकिन इस बात से मीडिया में एक और न्यूज वायरल होने लगी 2022 में अरविंद केजरीवाल जी के मित्र रहे कुमार विश्वास जी ने भी इस मुद्दे को हाईलाइट किया हुआ है बहुत बार उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी खालिस्तानियों के समर्थन से सत्ता चलाते हैं वहीं से प्राप्त फंडिंग और पंजाब में इलेक्शन जीतने के पीछे की जो उनका मंशा है वो खालिस्तान से जो खालिस्तानी सेपरेटर्स हैं उनके थ्रू पैसा प्राप्त करते हैं आप ये वीडियो सुन सकते हैं ये अपने साथ के उन वक्त उस वक्त को भी वीडियो पे आप जाकर के इस वीडियो को सुन सकते हैं ए एन आई पर पड़ा हुआ है यह वीडियो 2022 का 16 फरवरी का है जिसमें कुमार विश्वास जी एन आई से कह रहे हैं कि जब केजरीवाल के साथ हम रहा करते थे उस समय पर भी उन्होंने यही कहा था कि मतलब इन्होंने कहा कि भाई इन लोगों का साथ मत लो ये सेपरेटिस्ट हैं अलगाववादी लोग हैं अलग देश की मांग करते हैं तो बोले क्या हो गया अलग देश की मांग करते हैं तो मैं एक अलग देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा पंजाब का सीएम बनना उन्होंने तय कर लिया था कि मैं सीएम तो बनूंगा तो उन्होंने अपने ही एक आदमी को बिठा दिया तो यह बड़ा ही प्रिडिक्टेड था कि केजरीवाल जी सीएम बनेंगे या फिर अपने किसी आदमी को पंजाब का सीएम बनाएंगे ऐसा इन्होंने आरोप लगाया था ठीक है साहब तो केजरीवाल जी के ऊपर इनके मित्रों के द्वारा भी पहले ऐसे आरोप लगते रहे हैं कुछ इस प्रकार के मीडिया के अंदर इस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगते रहे है। ठीक है साहब एक और मामला इन दिनों हाईलाइट हो रहा है और वो क्या है ब्रिटेन की संसद के अंदर ब्रिटिश एक एम थी जिन्होंने इंडियन एजेंट्स टारगेटिंग सिख ऐसा कह करके ब्रिटिश एजेंट मतलब ब्रिटिश एमपी थी जिन्होंने अपनी संसद में ये बात कही थी कि कुछ भारत के लोग हैं जो सिखों को टारगेट कर रहे हैं वो अज्ञात लोगों वाला जो मसला नहीं हुआ था इनका नाम था प्रीत कौर गिल प्रीत कौर गिल जो हैं इन्होंने इस मामले को ब्रिटिश संसद में उठाया था कब की बात है ये फरवरी 28 2024 की रिसेंटली क्या हुआ है राघव चड्डा जी के साथ इनकी फोटो 21 मार्च के दिन ट्विटर पे आ जाती है इस समय केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो रही है और राघव जी इनके साथ दिखाई दे रहे हैं तो लोगों ने फिर से कनेक्शन जोड़ा कि ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं और ये किस तरह की राजनीति राजनीति देखिए में जिसको आप नहीं जानते उसकी फोटो के ऊपर भी कई बार बवाल खड़ा हो जाता है और राजनेता लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं जो भी कारण रहा हो कुल मिलाकर के इसके ऊपर भी काफी ट्रोलिंग होने लगी और केजरीवाल जी को लेकर के विदेशों में विशेष रूप से टोरंटो के अंदर भी कॉन्सुलेट के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को गलत गिरफ्तार मतलब केजरीवाल जी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी बन चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं और उनको लेकर के कनाडा के अंदर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं